अभी अभी बिहार से बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी समय से चल रहे बीमार। लालू जी का स्वास्थ्य आखिरकार इस समय कैसा है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों द्वारा जब पूरी बॉडी की जाँच की गई तो पता लगा कि लालू जी की किडनी है वो 75 से लेकर 80% तक डैमेज हो चुकी है। उसकी वजह से लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की राय से लालू प्रसाद जी सिंगापुर गए थे अपनी किडनियों का इलाज कराने के लिए। सिंगापुर में लालू जी की किडनियों का कुछ दिन इलाज चला, वहां पर उनकी फिर से जांचें हुई तो बताया गया कि लालू जी की किडनियों में अब धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और वो बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। सिंगापुर में जब गए थे तो कोर्ट से वो परमिशन लेके गए थे, उसकी भी डेट क्लियर हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। उसकी वजह से लालू प्रसाद जी सिंगापुर से वापस दिल्ली आ गए। लेकिन अभी लालू प्रसाद जी की हालत वो नाजुक बताई हुई जा रही है। डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि लालू जी की किडनियां ज्यादा डैमेज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी अपनी किडनियों का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर जाएंगे लगभग 14 से 20 तारीख में। मैं आपको बता दूं कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है वो अपने पिताजी को अपनी किडनी डोनेट करेंगे। हाँ साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी ही तेजी से निकल कर आ रही है कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिताजी को किडनी देंगी। जो भी माता है बहने भाई भाई बहन चाहने वाले फैंस लोग आज का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर लालू प्रसाद जी के लिए ठीक होने की कामना जरूर करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, अपने वापस घर आ जाए। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी